हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो पोएट्री का सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है द थिंग ऑफ ब्यूटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवि के बारे में, पोएट के बारे में। और इन कवि का नाम है जॉन किट्स, और जिनका जन्म हुआ था 1795 में, और इनके डेथ जो हुई थी वो 1821 में हुई थी। और बहुत ही कम, ये मतलब बहुत ही कम उम्र में, आप कह सकते हो कि 25 साल की आयु में ही एक बीमारी के कारण इनकी डेथ हो गई थी। और ये एक रोमांटिक पोएट थे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी है। और इनमें से सबसे लोकप्रिय इनकी जो जो रोमांटिक्स पोएट हैं, कल्पनाएं हैं, उनकी विशेषता ये है कि वो एक विशेष विषय के लिए हैं, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य में खोजी जाने वाली रचनाओं में से है द काव्य रोमांस 1818 में पेश की गई। और तो चलिए, इस पोएट के बारे में तो हमने काफी कुछ जाना, चलिए इस लेशन के बारे में जानते हैं कि यह थिंग्स ऑफ ब्यूटी एक्चुअल में है क्या, और कैसे हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं वन बाय वन करके। और सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, राइट। जो ब्यूटी ऑफ थिंग्स है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट विल कीप अबोव क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कवि है वो ये कहता है कि सुंदरता हमेशा के लिए रहती है, यह कवि नहीं बल्कि समय बीतते के साथ ये बढ़ती जाती है। और जो सुंदरता है उसके बारे में जो कवि है उसकी धारणा यह है कि ये जो गुजरता हुआ समय है ना, इसके जो गुजरते समय के साथ कभी खत्म नहीं होती, और अधिक से अधिक जो आप कह सकते हो जो सौंदर्यकरण है वो करती है कवि के लिए सुंदरता। एक सुंदर छायादार वृक्ष की तरह है जिसकी छाया के नीचे सभी प्राणी शांति से फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स के साथ में सो सकते हैं, सांस ले सकते हैं और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। सो देयरफॉर ऑन द एवरी मोरो वी आर ब्रीदिंग अ फ्लोरी बैंड टू बेंड अस टू अर्थ स्पाइट ऑफ डस्पोंडेंस ऑफ इन ह्यूमन ड्रेथ एंड ऑन नोबल नेचर ऑफ ग्लोमी डेज ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्क वेज एंड यहाँ पे आप कह सकते हो और समझ भी सकते हो कि जो डार्क वेज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मेड ऑफ डार्क वेज के बारे में दिया हुआ, मेड ऑफ द सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम सम ऑफ ब्यूटी मूव अवे 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 द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच एज अ सन ऑन मून ट्रीज ओल्ड यंग स्प्राउटिंग द सैडी बून। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कवि है वो कहता है कि वो ये बताता है कि ये जो सुंदरता है और जो हमें जीने की भावना से भर देती है, इट ब्रीदिंग फ्लोरी बैंड विथ आवर अर्थ, और बल्कि सुंदरता है जो हमारे अंदर जीने की इच्छा जगाती है। हमारे आसपास जो दुखद क्षण होते हैं, जो क्रूर लोग होते हैं, कवि ये कहना चाहता है कि सौंदर्य के देने बिना जो पृथ्वी पर क्रूर लोग हैं, उदास उदास क्षणों से भरी, ये वह सुंदरता है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है और जो हमारे दिलों से दुख को दूर करने में मदद करती है। ये क्या करती है? दिलों से दुख को दूर करने में मदद करती है, राइट। और इसी के साथ में ये बता रहे हैं कि सच द सन द मून एंड ट्रीज यंग स्प्राउटिंग द साइडी बून, और इसके अलावा और भी चीजें बता रहे हैं कि फॉर सिंपल शेप्स एंड सच अ डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स दैट द देमसेल्फ आर कूलिंग कन्वर्ट मेक जाइंट्स द हॉट सीजन्स द मिडेस्ट फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ द फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और ये बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट ब्रेक है, यहाँ तक आप समझने की कोशिश करते हैं कि कवि जो है वो सुंदर चीजों का वर्णन किया है जो कि पृथ्वी पर मौजूद है, जैसे कि सूर्य हो गया,
चंद्रमा हो गया, पेड़ हो गए, फूल हो गए, जैसे डेफोडिल हो गया, डेफोडिल, नदियां हो गई, इन सारी चीजों का वर्णन उसने किया है। और कहते हैं कवि, ये जो चीजें हैं पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए एक आशीर्वाद की तरह है। वह आगे वर्णन करता है कि पेड़ हमें अपनी छाया, फूलों के साथ अपनी सुंदरता, नदियों के साथ जो गर्म ग्रीष्म काल के दौरान प्रदान करती है ठंडी, वे सभी प्रकृति की सुंदरियां हैं जो हमें एक वरदान की तरह है। हमारे लिए क्या है? एक वरदान की तरह है। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ द फेयर मस्क रोज ब्लूम एंड सच टू ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन द माइट दैट ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर हर्ड द रोड्स एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। इसका मतलब क्या होगा? कवि जो है वो आगे इन चीजों के बारे में बताते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो जो पृथ्वी पर मौजूद चीजें हैं ना, उसमें जैसे कि खूबसूरती, कस्तूरी के गुलाब में इतनी अच्छी खुशबू होती है, जो कस्तूरी का गुलाब होता है उसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने जो शक्तिशाली योद्धाओं की जो कहानी है उनका वर्णन किया, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश की मानवता, जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, उसके लिए उन्होंने अपना जो जीवन है बलिदान दिया हुआ है, राइट। और वो कहते हैं कि ये सुंदर चीजें हम सभी के लिए भगवान की ओर से गिफ्ट हैं, उपहार हैं, वे हमारे लिए भगवान द्वारा दिए गए अमृत के समान हैं। ये वे सुंदरियां हैं जो अमर हैं, हमें अपने जीवन में इतने दुख होने के बावजूद इस धरती पर रहने का एक कारण देती है और एक आप कह सकते हो कि एक रीजन देती है धरती पर रहने का। तो ये सारी चीजें थी जिसके बारे में हमने समझा, इस चैप्टर के जो कंक्लूजन था उस कंक्लूजन तक हम पहुंच पाए। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इनके आंसर्स को इजीली समझ पाओ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एनी लिस्ट ऑफ थिंग्स ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कॉज सफरिंग फ्रॉम पेन, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर वी आर ब्रीदिंग अ फ्लोरी बैंड विद अर्थ सजेस्ट टू यू। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स के सेशन पे और वहां भी चीजों को देखेंगे, समझेंगे कि क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर नंबर 4 है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कुछ जो ब्यूटी मोमेंट्स हैं उसके बारे में है। सोर्स ऑफ प्लेजर, सम ऑफ द सन मून ओल्ड यंग ट्रीज डेफोडिल फ्लावर्स सम स्ट्रीम्स ऑफ विद क्लियर वाटर्स मास ऑफ फ्रेंड्स एंड ब्लूमिंग मस्क रोजेस ऑल ऑफ देम आर थिंग्स द ब्यूटी दे आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। ये सोर्स है यहाँ पे सफरिंग और पेन के जो सोर्सेस हैं, जिसमें मेलिसेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ सफरिंग है, अनदर द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, अनहेल्दी एंड ईवल वेज, दोज गिव बर्थ सो मेनी ट्रबल्स सफरिंग, दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स, दे एक्ट अपेल सैडनेस ऑन आवर लाइफ। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कैसे हम थर्ड क्वेश्चन को इजीली जो है उसको समझ सकते हैं, राइट। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के अलावा ये फोर्थ क्वेश्चन भी यही है। ये थर्ड क्वेश्चन देखिए स्क्रीनशॉट आई होप कि आप ले पा रहे होंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं इनको रीड आउट करके बताता हूँ। व्हाट डज द लाइन देयर फॉर ब्रीदिंग एंड फ्लोरी बैंड टू बिंड अस अर्थ एंड सजेस्ट टू यू। तो ये है किड्स इज द लवर ऑफ ब्यूटी इट्स एम्प्लॉय द सेंस ऑफ डिस्कवर ब्यूटी इन द थिंग लिंक ऑफ द मैन एंड नेचर इट इज एक्सटर्नल इन द थिंग्स ब्यूटी आर लाइक रिद्स एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स वी सीम्स वी व फ्लावर्स बैंड एवरी डे इट कीप अस अटैच टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ एंड व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ स्पिरिट ट्रबल्स एंड सफरिंग। तो ये इसके बारे में इसका आंसर दिया हुआ है कि देर आर मेनी थिंग्स ब्रिंग्स ट्रबल्स एंड सफरिंग द डैम्पेन आवर स्पिरिट्स हाउ एवर सम शेप्स ऑफ ब्यूटीज ब्रिंग्स लव हैप्पीनेस एंड लिव्स स्पाइट ऑफ सच अनप्लीजेंट थिंग्स अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द वेल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग फ्रॉम मेड्स लव लाइफ। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करेंगे अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके बारे में, और न सिर्फ फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बल्कि जो सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है?
कि व्हाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। सो माइटी डेड आर वेरी पावरफुल डोमिनेटिंग पर्सन्स ड्यूरिंग दिन ऑन टाइम्स। देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइली ग्रेट। द नोवल वर्क्स डेजल आवर आईज। वी इमेजिन दैट सच अ माइटी डेड्स फोर फादर्स विल अटेन मोर ग्रैंड्योर्स ऑन द डोम्स डे। हैंस ग्रैंड्योर इज एसोसिएटेड विद द माइटली डेड। तो ये क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा सिक्स्थ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ और ये है क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स द ब्यूटी ओनली शॉर्ट मोमेंट्स और दे डू मेक लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। यस वी फील हैप्पी कमिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। दे मेक द लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। किड्स मेक्स इट्स क्लियर एट आउटसाइड। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इट्स अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। इट्स अ ब्यूटी नेवर डिक्लाइन और डिसमिस्ड। इट्स अ लवलीनेस गोज इज इंक्रीज एवरी मोमेंट्स। इट वैल्यूज रिमेन्स अनडिसमिस्ड। इट नेवर पास्ड इन टू द नथिंगनेस। इट रिमूव्स द पैल ऑफ सैडनेस दैट कवर्स आवर डार्क स्ट्रीट्स। सेवेंथ क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि वॉट डज द पोएट यूज एंड डिस्क्राइब द ब्यूटी बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लिखा हुआ है कि जॉन किट्स यूजेस अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। इट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ ए मोरल ड्रिंक। इट्स प्योर कॉन्सिस्टेंटली ऑन इन टू आवर हार्ट फ्रॉम हेवन। दस वी अ ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडलेस फाउंटेन द ए मोरल ड्रिंक। देखिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन्थ और इसी के साथ ये जो चैप्टर नंबर फोर था इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। और आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव या सजेशन देना है ताकि हम वीडियो लेक्चर्स की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें तो आप हमारे नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एट द लास्ट गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।